शीला के रसोई में आप लोगों को स्वागत है। और चलिए परवल आलू और लाल चना से चाट बनाने जा रहे हैं। और पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गर्मी बहुत पड़ रहा है, उसके बाद भी नया नया रेसिपी आपके पास लेकर आते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए हम बनाते हैं चाट। चलिए चाट बनाने के लिए देखिए, लाल चना है एक कटोरा लिए हैं, उसके बाद देख लीजिए परवल, परवल का 6-7 पीस है। इसको करना क्या है, ऐसे काट करके ध्यान रखिएगा, बिया परवल जो है छोटा छोटा बिना बिया वाला होना चाहिए। और इसको पहले ऊपर से हटा दिए हैं, छील दिए हैं, साफ कर दिए, और इसको ऐसे करके काट करके इसके साथ पीसना है हमको। ये चना परवल हो गया, उसके बाद देखिए अदरक डाल दिए, 4-5 लहसुन का कली है, चटपटा चाट बनाना है, 2 हरा मिर्चा है। अब इसको मिक्सी में पीसते हैं, ज़्यादा नहीं पीसना है, मोटा ही पीसना है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, 2 चम्मच। इसके बाद देखिए पीसने के बाद कैसा हो गया, देखिए है ना, इस तरह से कितना लाजवाब है इसका चाट। चाट तो कभी आप लोग खाए ही नहीं होंगे, पहले देखिए पूरा रेसिपी, घर में बनाइएगा चाट, बहुत टेस्टी लगेगा। चलिए आगे का प्रोसेस देखिए, ये 2 आलू है, इसको छिलका हटा दिए हैं, और इसके मोटा तरफ से ही ये कद्दूकस करने वाला है, इसको कद्दूकस करना है। ये आलू के कद्दूकस कर लिए हैं, उसको इसमें डाल लिया। उसके बाद जो पीस लिए थे उसको डाल लिया। अब इसमें मसाला डाल देते हैं, 1/2 चम्मच जो है लाल मिर्ची का पाउडर है, एक काला मिर्ची का पाउडर है, गरम मसाला का पाउडर है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है, और नमक जो है स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद ये मैदा है, अब इसमें जितना लगेगा उतना ही मैदा डालना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा डाल देना है, सबको मिला दीजिए। देखिए पूरा अच्छे से मिल करके पूरा तैयार हो गया है। अब आगे दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तेल गर्म हो रहा है, रिफाइन तेल है, अब हाथ में देखिए इसमें रिफाइन तेल ऐसे करके लगा लीजिए। उसके बाद इसको पूरा गोल तैयार, क्योंकि थोड़ा सा गीला है, इसको गोल करके ऐसे करके थोड़ा पतला या मोटा जिस तरह से सिझाना पड़ेगा अच्छे से ऐसे करके, तेल गर्म है इसको ऐसे करके डाल दीजिए। ऐसे करके डाल डाल करके सबको अच्छे से एकदम क्रिस्पी रहेगा, फ्राई करना है। गैस जो है एकदम लो फ्लेम कर दीजिए, धीरे धीरे पकेगा। चलिए फिर से ऐसी बारी बारी तेल लगा करके ऐसे करके फिर से एक तरह से कर लीजिए। इसमें जय पीस हटेगा, 4 पीस तो हट ही सकता है। देखिए ऐसे करके इसको उल्टाना पुलटाना पड़ेगा, अब पूरा एकदम रेड होने दीजिए तो पकने देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है परवल का टिक्की। देखिए देखिए मेरा परवल का टिक्की तैयार है। अब चाट देखिए, ऐसे करके हाथ से, वैसे आप सौंसे भी डाल सकते। चलिए
तोड़ कर भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। ऐसे भी डाल दीजिए। अब इसमें दही जो है एक बार ट्राई जरूर आप लोग करिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। अभी तक आप लोग रेस्टोरेंट होटल कहीं भी कुछ भी में नहीं खाए होंगे, ढाबा हुआ कहीं भी नहीं। ये मेरा पहला रेसिपी है, पहला मतलब कि अपना मन से सोचकर जो बनाते हैं सो रेसिपी है, इसे ट्राई जरूर करिएगा आप लोग। उसका ये धनिया का चटनी हुआ, और दही जो है वो मीठा रहना चाहिए, खट्टा वाला चटनी नहीं दीजिएगा। बच्चे लोग भी पसंद से खाएंगे, वैसे तो परवल खाएंगे नहीं, इस तरह से बना दीजिएगा तो बच्चे लोग पसंद करेंगे। और फिर ये मीठा चटनी हो गया इमली वाली, थोड़ा सा और डाल दीजिए, अच्छा लगेगा खाने में भी, टेस्ट अच्छा लगता है। इसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल नमक या काला नमक रहेगा तो काला नमक डाल दीजिएगा। फिर ये चाट मसाला हो गया, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। फिर जीरा पाउडर, जीरा भुना हुआ है। उसके बाद ये सेव है, ऊपर से डाल दीजिए। फिर थोड़ा सा बेदाना है, एक कलर वाला नहीं है, लाल नहीं है, उजला हो गया है, मतलब कि लाए थे लेकिन जब निकाले उसमें से दाना तो उजला निकल गया। इस तरह से थोड़ा सा बुंदिया डाल दीजिए और चाट जो है आपका तैयार हो गया।